इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है 2024, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है संघ राज क्षेत्र, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। अगर संघ राज क्षेत्र की बात की जाए तो संघ राज क्षेत्रों का जो आविर्भाव हुआ था 1955 में, 1955 में जो राज पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया था और इसने अपनी सिफारिशें दी थी। इस सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। और ये वर्ग थे, एक तो राज्य और दूसरे थे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। और संघ राज क्षेत्र अगर वर्तमान में बात की जाए तो संघ राज क्षेत्रों की संख्या 8 है और ये है दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा दमन द्वीप जो दादरा नगर हवेली में शामिल कर दिया गया है, और लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 8 संघ राज क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज क्षेत्र। इसके बाद अगर संघ राज क्षेत्र और राज्यों में अंतर की बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से 2 या 3 अंतर हैं। जैसे अगर केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा और अधिकारों के बंटवारे की बात की जाए तो राज्यों की संवर्ती सूची और राज्य सूची, इसके अलावा जो संवर्ती सूची केंद्र और राज्य जिनमें कानून बना सकते हैं उसमें राज्यों को भी बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो शक्तियों के बंटवारे संबंधी जो बात है, जो प्रावधान दिए गए वो केवल राज्य पर ही लागू होते हैं और यह प्रावधान संघ राज क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते। अर्थात जो शक्तियों का बंटवारा है उसका उपयोग है और अधिकारों का उपयोग, कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल जो पूर्ण राज्य होते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। और संघ राज क्षेत्र और राज्यों में जो अंतर आएगा, अंतर यह है कि अगर मूल अधिकारों को प्रवर्तन से संबंधित, जो राज्यों के मूल अधिकारों से संबंधित अधिकार क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान होते हैं उनका हनन होता है, उनके लिए राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें ऐसे छूट नहीं दी गई है संविधान में। एक दूसरा अंतर यह है। इसके अलावा जो कानून बनाने की शक्ति है, जो कानून बनाने की बात आती है वह राज्यों पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि राज्यों में एक चुनी हुई विधायिका या विधानमंडल या विधान परिषद या विधानसभा होती है, जबकि संघ शासित प्रदेशों या केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज क्षेत्र में ऐसी विधानसभाएं नहीं होती हैं। ये इसका अपवाद केवल दिल्ली और पुदुचेरी, जो वर्तमान में इन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का अस्तित्व है, और जो अन्य संघ शासित प्रदेश या संघ राज क्षेत्र है उन्हें विधानसभाओं का अस्तित्व नहीं है और उन्हें कानून बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा अगर संघ राज क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश इसकी बात की जाए तो इनमें अंतर है। आमतौर पे लोग इनको एक ही रूप में मानते हैं, इनका एक ही अर्थ मानते हैं। अगर इनके अंतर की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश एक संघ राज क्षेत्र तो हो सकता है लेकिन संघ राज क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता है। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी संघ राज क्षेत्र है, लेकिन अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वो संघ राज क्षेत्र नहीं है, क्योंकि दिल्ली को कुछ अलग छूटें मिली हैं या अलग प्रावधान किए गए हैं भारत की राजधानी होने के संदर्भ में, और पुदुचेरी को कुछ अलग प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि जैसे अगर इनके कारणों की बात की जाए कि संघ राज क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश इनकी रचना क्यों की गई या इनका प्रावधान क्यों किया गया या इनका गठन क्यों किया गया, तो उसके लिए कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं उस
प्रदेश के संदर्भ में लागू होती है। इसके अलावा राजनीतिक विशेषताएं या राजनीतिक बाध्यताएं या इसके अलावा सामरिक बाध्यताएं लागू होती हैं। जैसे अगर इनमें बात की जाए, अगर सांस्कृतिक विशेषता की बात की जाए, सांस्कृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक विशिष्टता की बात की जाए तो इसमें पुदुचेरी और दमन दीव या पांडिचेरी जिसे पहले कहते थे दमन दीव, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली, इनको सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण इनका गठन किया गया था। अगर सांस्कृतिक विशेषताओं के अलावा अगर सामरिक महत्व की बात की जाए, सामरिक महत्व की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में हिंद महासागर के क्षेत्र में और लक्षद्वीप अरब के सागर में स्थित है और दोनों ही क्षेत्रों भारत के क्रमशः पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर निगरानी के लिए इनको ऐसी विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को, क्योंकि भारत का जो सामुद्रिक व्यापार लगभग 98% जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है, इसलिए ऐसी स्थिति प्रदान की गई जिससे जो सेना है हर हाल में भारत की रक्षा के लिए तैयार हो सके, मुख्य रूप से जो जलमार्ग है उसके द्वारा। और आगे बात करते हैं, अगर राजनीतिक कारणों की बात की जाए या राजनीतिक महत्व की बात की जाए तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो गठन किया गया है उसके अंतर्गत दिल्ली और जो चंडीगढ़ संघ राज क्षेत्र का गठन किया गया, दिल्ली का गठन किया गया है